गुड मॉर्निंग हैप्पी धनतेरस। मुंह ऐसे करो सही से। आओ अभी जरा तो प्रिशा को रेडी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट भी बनना है साथ में। आज प्रिशा का दिवाली सेलिब्रेशन है और सब आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। अरे देख ले पेंसिल, पेंसिल है? हाँ है। देखो अपना मेकअप, वाह। इसको नीचे रख, प्रॉपर मेकअप दिखाई देगा। क्या क्या लगाया मम्मी ने आप में? आईलाइनर और मम्मी ने लिपस्टिक को इसमें लगाया था, जो मैंने रिक्शा वाले में बहुत सारे में किया था ना। हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका है तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सबसे पहले और फिर फटाफट निकलेंगे। तो यहाँ पे कड़ी जो थी कल परसों की वो मैंने दोबारा से फ्राई की है और ये खट्टी भी हो गई थी और यहाँ पे कचौड़ी है। आज हम लोग खाएंगे कड़ी कचौड़ी। कड़ी कचौड़ी का मिक्सअप बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो चाय भी बन रही है यहाँ पे और सुबह बनाई थी अरबी की सब्जी, रोटी है। तो ये सब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में करके फिर हम लोग दिवाली शॉपिंग के लिए निकलते हैं। जो लोग जयपुर राजस्थान से उन्हें तो पता ही होगा कि कड़ी कचौड़ी क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन शायद सभी लोगों को नहीं पता होगा। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। धनतेरस कुछ कपड़े खरीदने हैं और धनतेरस है तो हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। थोड़ी बहुत जरूरी शॉपिंग करनी है और टाइम पे आना है घर, क्योंकि प्रिशा का टाइम हो जाएगा उसे लाने का। तो सबसे बड़ा इशू यही रहता है, पंगा रहता है। सुबह का टाइम है तो ज्यादा भीड़ तो होगी नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन धनतेरस है पता नहीं है अभी। ठीक है, रो रही थी इतना। रिलायंस स्मार्ट आए हुए हैं और कुछ कपड़े लिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, फ्रूट्स वगैरह लिए। धनतेरस से तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, रिलायंस स्मार्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर पाँव रखने की जगह नहीं है। फिर से जाम लग गया, मुझे प्रिशा को भी लाना है और जाम लग चुका है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कितने, आप कितने प्यारे लग रहे हो। तो अरे मैं अब कहीं जा रखी थी काम से तो प्रिशा को ले लिया स्कूल से। ज्यादा लेट थोड़ी आई हूँ, तो सारे बच्चे अभी अभी आ रहे हैं, इतनी लेट थोड़ी आई हूँ। चले गए तो तू आ गया।
आगे बोले बच्चों को देखो कैसे लड़ रहे हैं आगे बैठने के लिए। अरे यही तो जा रहे हैं अभी अभी तो घर जा रहे हैं। तो लास्ट में दौड़ते भागते शॉपिंग की है, टी शर्ट वगैरह घर के कपड़े बच्चों के लिए खरीदे हैं। घर आते ही लग गए किचन में, सबसे पहले खाने की तैयारी हो रही है। कड़ी बची है थोड़ी सी, उसको ही अभी अपग्रेड कर लेंगे। तो पैकिंग शुरू हो गई है, पैकिंग हो गई, यहाँ से बैग निकालने फिर इनमें पैकिंग होगी और मैं मम्मी की हेल्प करूंगी। हाँ इतना सारा भर दिया आपने इसमें, ये सब आप पढ़ोगे भी वहाँ पे? अच्छा अच्छा ये होमवर्क करोगे ना आप सिर्फ? ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? ये कप है। ओके ये आपका फेवरेट कप है। ठीक है चलो ठीक है रख लो, अभी मुझे तो बहुत सारी पैकिंग करनी है। ये सारे बैग अभी खाली है, अभी इनको भरना है। घर आई खाना खाया सो गए, अभी उठी हूँ तो पैकिंग कर रही हूँ। तो जो सामान देने वाला है, देने वाला मीन गिफ्ट है, जो सामान मिठाई हो गई या फिर कपड़े वगैरह हो गए, तो वो सारे सामान हस्बैंड गाड़ी में ड्रॉप करने गए हैं, मतलब रख देंगे डिक्की में अभी, ताकि हमें मॉर्निंग में देर ना हो। और अभी जो है पैकिंग स्टार्ट हो रही है अपनी, जो हम लोगों ने ले जाने कपड़े, ठंडा स्टार्ट हो चुका है तो इसलिए ठंड के कपड़े भी जा रहे हैं। तो बैग जो है बच्चों के साथ कितने ज़्यादा हो जाते हैं आपको पता ही है। ये सब कपड़े एज इट इज़ यहाँ पे हैं, ये देखो अभी स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो मैंने निकाला ही नहीं है। तो मैं अपने मायके जा रही हूँ दिवाली में, ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। ससुराल इसलिए नहीं जा रही हूँ अभी कि वहाँ पे दिवाली नहीं है हम लोगों की, तो दिवाली नहीं है हम लोगों की, हस्बैंड आ गए। और घर में जो जेठानी है उनके फादर भी एक्सपायर हो गए थे पिछले महीने, तो वो भी इस वजह से भी थोड़ा सा ये है कि अपने घर में नहीं जा रहे हैं, मैं मायके जा रही हूँ। दो चार दिन मायके में रहूंगी, उसके बाद हम लोग ससुराल जाएंगे। अभी क्या प्रोग्राम रहता है कैसा रहता है तो वो तो कल के ब्लॉग में पता चलेगा आपको, और कल जर्नी होगी तो ब्लॉग में बने रहिएगा। पहाड़ों के ब्लॉग शूट करूंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जर्नी काफी लंबी है, तो कल हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे हम लोग दिल्ली से निकलेंगे तो दिल्ली में आपको पता ही है जाम कितना ज्यादा लगता है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए मॉर्निंग के टाइम में तो जाम मिलना शुरू हो जाता है। और जैसा कि छोटी दिवाली है कल, तो फिर जाम तो ज्यादा मिलने के चांसेस है, हर कोई अपने घर जाना चाहेगा। पैकिंग ही पूरी नहीं हो रही तब से, बस बच्चों का सामान ये सब, काफी टाइम बाद अपने मायके जा रही हूँ तो कुछ सामान रखना ये सब कुछ। टाइम सोचा था कि हम लोग कम से कम 9 बजे सो जाएंगे, लेकिन 10 बज चुकी है और सानवी सो चुकी है, प्रिशा सो चुकी है, सानवी तो सोने का नाम नहीं ले रही है। ये जो व्लॉग है मैं एडिट तो कर नहीं पाऊंगी जल्दी से, तो ये व्लॉग आपके पास शाम तक आ जाएगा। और स्टे कनेक्टेड विद अस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।